कुछ भी दिख रहा है इसमें, ना अंदर का दिख रहा ना बाहर का दिख रहा। चलो ये तो रही एक साइड। अब आप बोलोगे भाई शीशे को नीचे करके चला लो, आई एग्री, लेकिन ये देखो और बाहर से देखो, मैं बाहर से आके ये देखो। वेलकम बैक टू द चैनल मोंटी मलिक दिस साइड। और आना भाई देखो, एलोयस लगवाने के बाद गाड़ी की लुक ना काफ़ी इंप्रूव हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं कमी जो खल रही थी ना वो इसे टिंटेड ग्लासेस में खल रही थी कि भाई टिंटेड ग्लास हो तो गाड़ी की लुक अलग हो जाएगी। सो मैंने भाई काफ़ी वीडियोस देखी तो उन्होंने कहा कि भाई एक्सरे शीट लगवा लो, पोर्टेबल होती हैं, हटाओ निकालो लगा लो, या फिर कुछ इस तरीके की सनशेड होती है वो लगवा लो, लेकिन वो लुक निकल के नहीं आ रही थी। तो मैंने भाई सनशेड मंगवा ली, एक्सरे शीट मंगा तो ली, ये कुछ इस तरीके की है भाई, ये देख लो। और इसमें ना अंदर का दिख रहा है ना बाहर का दिख रहा है, विजिबिलिटी जीरो हो गई। भाई मैंने इन्फ्लुएंस होके यूट्यूबर्स की वीडियो देखी, भाई एक्सरे शीट लगाओ लगाओ बढ़िया होती हैं, तो मैंने मंगवा ली। अब मुझे कितने की पड़ी वो कॉस्टिंग तो बताऊँगा, साथ में इसका सोल्यूशन भी देखता हूँ कि क्या हो पाता है। तो मैंने भाई ये लगाई अपनी गाड़ी में। अब गाड़ी में लगाने के बाद नुकसान ये होता है, कैमरा मैन उस साइड से आओ, मैं दिखाता हूँ आपको। तो भाई ये एक्सरे शीट कुछ इस तरीके की होती है, ये देख लो आप, ठीक है। अब इसमें कुछ लोग कहते हैं भाई इतनी बढ़िया है, इनसे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं हुई, डिस्कवरी नहीं हो पाई। अब ये देखो, अब गाड़ी होगी जेड ब्लैक, अब आपको थोड़ा बहुत कैमरे में विजिबिलिटी दिख रही होगी, लेकिन मैं जो चलाऊंगा ना गाड़ी तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें, ना अंदर का दिख रहा ना बाहर का दिख रहा। चलो ये तो रही एक साइड। अब आप बोलोगे भाई शीशे को नीचे करके चला लो, आई एग्री, लेकिन ये देखो ना, तो ये ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, देखो नीचे से निकल गई अभी ये है, ये देखो आप अभी और ऊपर खिसक गई। मतलब मैंने जो 1500 या 1500 के आसपास की मंगाई थी, मेरे को याद भी नहीं एग्जैक्टली क्या कितने अमाउंट की मंगवाई थी, तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? अब कुछ भाई यूट्यूबर जिसको पूरे प्रॉपर फिक्स करके दिखाते हैं कि भाई ये इस तरीके से काम करते, ये इस तरीके से काम करते, इसका कोई यूज़ नहीं है। और बाहर से देखो, मैं बाहर से आके ये देखो मतलब, और ऊपर देखो ये इतनी हल्की है, और देखो कितने निशान पड़ गए हैं अभी से इस पर। तो फ़ायदा है क्या इसको लगवाने का? मुड़ते के साथ निशान आ रहे हैं। एक तो इसको संभाल के रखो, ये ठीक इस साइड, अच्छा इस साइड थी, घूम कैसे गई? मैंने घुमाई क्या? हाँ भाई, मतलब ये देखो इसको ना तो लगाना ईजी है ना हटाना ईजी है, हटाना बहुत ईजी है, लगाना मुश्किल। लगाने में आपके घोड़े तो अपने आप जाते हैं ऑटोमेटिक है। हाँ ये देखो, अब ये होता है सस्ते बदमाशों वाला काम। पीछे देखो, पीछे के सनशेड लगा रखे, मुझे पता है भाई वो उसका काम वो है, तो उसी तरीके से काम करती है वो, लेकिन इसका क्या करूँ मैं? अब समझ रहे हो, मैं ठगा गया नहीं तरीके देखा जाए तो, इन्फ्लुएंस हो गए। अब आपको मैं कुछ सोल्यूशन क्या भाई, देखो इसको मैं कराऊंगा टिंटेड। अब कितने टिंटेड कराऊंगा जिससे कि दूसरे किसी को प्रॉब्लम ना हो और ना मुझे प्रॉब्लम हो, उसके सोल्यूशन के लिए भाई देखते हैं कितने का टिंट कराता हूँ इसको मैं। बाकी ये तो यूजलेस थिंग है, मैं रिकमेंड नहीं करता भाई किसी को भी ये इस तरह की एक्सरे शीट लगवाने की। एक ये देख लीजिए, ये सारे पैसे वेस्ट हो गए मेरे, 1500 का नुकसान तो यहीं पे हो गया। देखो अब इसको मैं फेंक भी नहीं सकता भाई, 1500 रुपये लगे हुए हैं और रखने का कोई यूज़ नहीं है। अब ये कुछ इस तरीके से पैकिंग में आई थी, कुछ लोग दिखाते हैं कि भाई इस पैकिंग को बिल्कुल हार्ड करके दिखा देते हैं, बिल्कुल हार्ड कि भाई ये कुछ किसी भी तरीके से ख़राब ही नहीं है, ऐसे बेस्ट कुछ चीज़ ही नहीं है, ना तो इसमें जेड ब्लैक वाली लुक आएगी, ठीक है, और ना ही जेड ब्लैक वाली विजिबिलिटी दे पाई। जेड ब्लैक एटलीस्ट आपको विजिबिलिटी दे तो देगी थोड़ी बहुत, ना तो विजिबिलिटी देगी ना लुक देगी। तो चलिए कुछ और सोल्यूशन देखते हैं इसका। सो गाइस, वो समय आ गया है जिसका मैं इंतजार था, गाड़ी में चढ़ने जा रही है फिल्म, ये देख लीजिए आप। अभी क्या है, मैं फ्रंट लगवानी सोच रहा था, बट अभी मैंने डिसीजन किया है कि सिर्फ ना साइड साइड की शेडीज लगवाता हूँ, क्योंकि जो असली रिफ्लेक्शंस होता है ना उस फ्रंट और बैक का ही होता है। तो इस पर ये लगा हुआ है आपका जो सनशेड होता है वो, इसको अभी रखते हैं। अभी एज ऑफ नाउ 50% लगवा रहा हूँ फिल्म में साइड साइड में, एक बार लग जाएगा तब आपको दिखाता हूँ। बाकी वर्किंग वगैरह तो आप सभी को पता ही है, शैम्पू वगैरह से पानी वगैरह से स्प्रे करते हैं और उसके बाद उसको चिपकाते हैं, तो वही प्रोसेस इसमें फॉलो किया जाएगा। ये कुछ इस तरीके से जो ये इनका नाइफ होता है, चाकू कहते हैं इसको या कटर कहते हैं, इससे ऐसे थोड़ा स्पेस सा बनाया जाता है, थोड़े जो मतलब इसके जो सरफेस को थोड़ा हार्ड ही रहता है ताकि वो चिपक जाए। ये देखो भाई, वो तीन शीशों पे ना लग चुकी है फिल्म, ये 50% है विजिबिलिटी आप देख सकते हो, इस पर लगी नहीं है अभी, इस पर इंस्टॉलेशन चल रही है आपका। वैसे वॉक अराउंड जाता हूँ, ये सामने अभी मैंने लगवाया नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि पहले साइड की चेक कर लेता हूँ उसके बाद लगवाऊँगा। ये देखिए भाई, अब थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ रही है ना भाई, हालांकि जेड ब्लैक तो नहीं है ये, उससे तो बिल्कुल आधी है, बट ये देखो आप मस्त लुक आ रही है भाई करने के बाद ना। अब गाड़ी वॉशिंग वगैरह करवा देंगे फिर गाड़ी बिल्कुल निखर जाएगी,
पर प्रोसेस आपको दिखाया था मैं एक बार, जो एक चीज इस पर पहले वही वाला सेम प्रोसेस किया जा रहा है, पहले इससे स्प्रे से इस पर पानी मारा जाएगा, उसके बाद जो फिल्म अपनी 50% है। ये भाई विजिबिलिटी को दिक्कत तो नहीं करती ना, ट्रांसपेरेंट होती है लगभग देखा जाए तो। ये देखे से खुर्चा जाता है इसको, और अंदर से ऐसी कुछ फिनिशिंग आती है इसकी। विजिबिलिटी आप देख सकते हो, जो एक्सरे फिल्म की विजिबिलिटी दिखाई थी मैंने और इसकी में कितना डिफरेंस है ये देख लीजिए आप। बंद करना, बंद करना। ये देखिए ऐसे फिल्म पानी लगता है, और अब देखो आप, अब यहाँ से ये चिपकाना स्टार्ट करते हैं। आपको साइड से दिखाता हूँ मैं एक बार चल के, इसे पानी मार दिया ठीक है, और अब भाई इसको कुछ इस तरीके से लगा देंगे, और ये पानी के साथ ही चिपक जाती है भाई, ये शैम्पू और पानी के साथ में। ये देखिए आप, तो भाई वो फाइनल लुक गाड़ी की ये निकल के आ रही है, आप ये देख लीजिए। सिर्फ साइड है 50% करवाई है मैंने, इसके पीछे सनशेड लगा उसको उतार दूंगा मैं अब विजिबिलिटी चेक करने के लिए, और गाड़ी के अंदर एंट्री करते हैं, बैठते हैं और देखते हैं कैसा माहौल है गाड़ी का। सो सीट को अपने हाइट के एडजस्टमेंट करते हैं, और ये देखो भाई, मतलब यार कोई ज़्यादा खास फर्क तो पड़ा नहीं है, 19-20 का डिफरेंस है। ये देख लो आप, प्रॉपर विजिबिलिटी आ रही है। सो ये करवाया भाई मैंने, 1000 रुपये लग गए मेरे बस, और ऐसा कुछ काम हुआ है। ये देख लीजिए आप भी फटा 50% टिंटेड करना चाहते हो करा सकते हो, मतलब इतनी विजिबिलिटी प्रॉपर आती है बाहर की। तो आज की वीडियो इतनी, थैंक यू सो मच। एक्सरे फिल्म बकवास है, उसे मत लगवाना, लगवाना तो इसको करवाना, इसलिए मैंने ये लगाया है और लगा के दिखाया आपको। थैंक यू सो मच भाई, वो बहुत ही ज़्यादा उतार दूंगा उसको मैं।